हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ रोमा पंचाल, आप मेरा चैनल देख रहे हो और मैं बनाती हूँ मेकअप के ट्यूटोरियल्स और डेली व्लॉग्स, जो कि आपको देखने में बहुत मज़े आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो, अगर कर रखा है तो आप मेरे ब्लॉग्स देखते ही होंगे। तो खाने के साथ आज चिकू को खाने की हो गई है मक्की की पापड़ी खाने की, जो कि ऐसी दिखती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची होती है खाने में। नहीं तल रही है सही से, मुझे तलने दो। क्यों, कोने दे रहे हैं, कोने दिए हो गए। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आज के दिन पतंगे वगैरह उड़ाते हैं घर पे, गुड़ तिल के लड्डू बनते हैं, पर लड्डू गुड़ तिल वाले लड्डू और पापड़ी अभी बनाएंगे हम, पर पतंग तो अब छोटे थे तब उड़ाते थे, अभी तो नहीं उड़ाते। तुमने कितनी उड़ाई है? मैं रात कितनी उड़ाई, हमने तो बहुत उड़ाई है, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं पापड़ी तल देती हूँ, पर चिक्कू तो कह रहे नहीं मेरे को ही तलनी है, क्योंकि तलने में बड़ा मज़ा आ रहा है और मेरे को तो चलो खाने में मज़ा आ रहा है। लेट क्या करे, सेल्फिश हो जाता है आदमी कभी, औरत तो बेचारी दोनों का ही खाना बढ़ती है। सबसे ज़्यादा जोर आता है इनको प्लेट भरने में। खाना हमारा हो गया है, अब हम बना रहे हैं तली के लड्डू, और तली के लड्डू तो नहीं बना रहे पर तली की पापड़ी बना रहे। तो यहाँ पर हमने गुड़ सेक दिया है और ये तली भी अच्छे से भून ली है, ये गुड़ अच्छे से हो गया। बस अब फटाफट से करते हैं, नहीं तो व्लॉगिंग करने में रहेगी, गुड़ जल जाएगा, कड़क हो जाएगा। घी का पोछा कर रहे हो, स्टैंड बहुत ज्यादा सफेद हो गया, काला कर रहे देंगे वो अभी बना रहे हो? अभी बना रहे हो, जब टाइम मिलता है तब बनाते हैं। निशा मधुली का भाई को देख लेते हैं थोड़ा। गुड़ के मिक्स को ए बंद कर दो, नहीं गैस डाल लेंगे। अरे चालू नहीं है, बुरी नहीं, जल्दी चटपटा देगा एकदम से, वो नहीं मिलेगी। ये मिक्सर थोड़ा ठंडा हो गया है और गरम में गरम है ये टेबल बड़ा। बनके तैयार, थोड़ी ले ली है शॉप के लिए भी, और ये यहाँ पर मम्मी इनके स्टाइल से बना रहे। दोनों ने अपने अपने स्टाइल से बना दी है। अब भाई चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 3 बज गई है, आज जाते जाते अपन को। गुड़ लोगे इतनी तिल लेना, दोनों का जो है ना सेम रखना मेजरमेंट, ओके। और तो अभी यहाँ पे चिक्की पार्टी चल रही है, मैं भी चिक्की लेके आई हूँ, प्रियंका मैडम भी लेके आए हैं चिक्की, और उधर जिन्ना मैडम भी लेके आए,
और हमारे रोशनी दीदी भूल गए, रोशनी दीदी कल खिलाएंगे यूं कह रहे हैं हमें कल। और चलो एक दिन की बासी भी खा लेंगे हम। तो यहाँ पे चली, खजूर और चने, चने इन सबका कॉम्बिनेशन है, और आलू वाली बिस्किट। ये तो कॉम्बिनेशन अपने जबरदस्त बनाए और लड्डू वाले। बस चिक्की पार्टी हमने की, फिर सब जने अपने घर पे चले गए थे। मैं घर से बना के लेके आई थी ना चिक्की, चिक्की वो जब अपने तली वाली चिक्की, कौन सी तली वाली, तली वाली सिंग वाली, सिंग वाली चिक्की भी। तो फिर सब जने मस्त खाई, और अभी सब जने जल्दी जल्दी निकल गए थे क्योंकि अब त्यौहार का टाइम है तो घर पे जाने की सबकी इच्छा रहती है। तो अब हम भी जाते हैं घर पे, हो गया टाइम, 7 बजने वाली है, चलो अब घर पे जल्दी जाना। कल जो हमारा फैमिली फंक्शन है उसके लिए यहाँ पर टेंट लग गया है, बच्चों को मजा आ जाए। ये यहाँ पर मेरी फोटोज की फ्लैश लाइट्स आ गई हैं, जिसकी कमी चिकू को लग रही थी मेरे फोटोग्राफी में, क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स तो अमेजिंग होते हैं और फोटोग्राफी भी अमेजिंग होती है, बट फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा चिकू कब से नीड लग रही थी। तो फाइनली चिकू ने मंगवा दिए ये राइट। अब मैं बना रही हूँ खाना, तो खाने में आज हमारी सबकी इच्छा थी कि खिचड़ी खाएँ, पर वेज पुलाव मैंने काफ़ी टाइम से बनाया नहीं था, तो अभी मैं वेज पुलाव की तैयारी मैंने कर दी है, तो वेज पुलाव फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर ब्रोकली, प्याज, लहसुन, आलू, इसको क्या बोलते हैं, कैरेट साइड देगा, और ये मटर, और शिमला मिर्ची का मेन टेस्ट है तो शिमला मिर्ची थी चिकू से भी मंगवाई है, तो एक कट कर देती हूँ। हमारे वेज पुलाव एकदम तैयार है। इसको थोड़ा मैंने गैस बंद करके रहने दिया था ताकि चावल हैं जो अच्छे से मस्त खाना खाने में। और चिकू यहाँ पर डाइनिंग पे बैठ गए हैं। ये हमारा वेज पुलाव, पापड़ी लेके बैठे हैं, मेरे को इतनी खानी है कि दो। चिकू को तो पुलाव भाई नहीं, चिकू तो आधे अधूरे खा के फिर गए उनके होटल खाना खाने के लिए। अब मैं यहाँ पर बैठती हूँ एडिटिंग करने के लिए, तो चलो एडिट कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ, 9:35 हो गई है, मुझे 11:30-12 बज जाएगी एडिट करते करते। यहाँ तक का व्लॉग एडिट हो गया है और यहीं पर मैं व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको देखने के बाद अच्छा लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और किन किन लोगों ने पतंगे उड़ाई और उंगलियाँ काटी कमेंट करो।